नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत प्रॉब्लम है। इसमें एक तो कोई काम करता नहीं है, जूनियर को बुलाता है तो जूनियर तो आता नहीं है, सीनियर भी बात सुनता नहीं है, सिस्टम भी बराबर नहीं है, चारों तरफ नेगेटिविटी फैला है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, करूं कि ना करूं, छोड़ दूं। मन कर रहा है बस ये दिवाली तक करूँगा, मन करता है बस ये ईद तक करूँगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ ना मैं नहीं करूँगा। चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि सारी प्रॉब्लम से बाहर आना, तो एक ही चीज़ आपको मैं बोलूँगा, काम करो रे। काम करेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सारी प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट करते और दोषी ठहराते हैं दूसरे को, जूनियर को दोष देते हैं, सीनियर को दोष देते हैं। कोई जूनियर तो बात सुनता नहीं, कोई सीनियर तो मदद करता नहीं। एक चीज़ याद में रखना, दूसरे के भरोसे पे, दूसरे के उम्मीद पे, दूसरे के कंधा में सिर्फ जनाजा जाती है। अगर जंग जीतनी है ना तो अपने दम से जीती जाती है। सारी परेशानी का समाधान काम करो रे बाबा, काम करो। अब बहुत सारे लोग काम तो करना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे ट्रेनिंग, इतने सारे मीटिंग, सब कुछ करने के बाद, ज़्यादा नॉलेज होने के बाद ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा काम करने से रिजल्ट आएगा, कौन सा काम करने से कम समय में तरक्की होगा, ये पॉइंट पे आज डायरेक्ट बात करूँगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये पॉइंट अगर आपने फॉलो किया तो दुनिया की कोई ऐसा ताकत नहीं है आपको रोक सकता है। कौन सा फॉर्मूला है ये हम लोग जानते हैं, तो फॉर्मूला का नाम है ABCD, ABCD। ये ABCD आपका दिमाग में बैठा रहना चाहिए 24 घंटे में से, 24 घंटे में से जितना समय हो सके आपको ये ABCD ध्यान में रखना है। ज़्यादा कुछ अलग अलग दिमाग दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस रखिए, ABCD। चलिए आइए हम लोग ABCD क्या है ये समझते हैं। ए मतलब अटेंड मीटिंग विथ न्यू गेस्ट, बी फॉर बिल्ड योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, सी का मतलब है कॉल करना है, और डी का मतलब ड्रीम बुक। ये चारों कितना महत्वपूर्ण है मैं आपको विस्तारित समझाता हूँ। पहला ए, अटेंड विथ न्यू प्रोस्पेक्ट, ये क्यों ज़रूरी है? ये चारों काम जो मैंने आपको समझाया ये डेली की डेली आपको करना है, मतलब करना है, हर हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए ये चारों काम आपको करना ही है। अगर आप चारों काम करने को तैयार है तो कम समय में सबको चीरते हुए आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अब हम लोग समझते हैं ये चारों काम का इम्पोर्टेंस क्या है, ये चारों काम ज़रूरी क्यों है, आइए एक एक विस्तारित समझते हैं। ए, अटेंड ऑल मीटिंग योर न्यू प्रोस्पेक्ट, उसका मतलब है हर मीटिंग आपको अटेंड करना है नया प्रोस्पेक्ट के साथ में। क्यों? अब कई सारे लोगों का समस्या है कि साला मैं तो लीडर बन गया, तो लीडर बन गया तो क्या हो गया, जिस दिन भी साला तू लीडर बन गया ना उसी दिन से तेरा काम डाउन शुरू हो गया, क्योंकि तेरे दिमाग में एक भूत है। भूत क्या है? तू लीडर बन गया तो क्या काम नहीं करने का? लीडर का मतलब क्या होता है? काम नहीं करने का, यही है क्या? लीडर का मतलब होता है सबसे ज़्यादा काम खुद करो। लीडर का मतलब पीछे जाना नहीं होता है, लीडर का मतलब आगे जाना होता है। आप अगर लीडर है और अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनना चाहते तो डेली नए नए गेस्ट को लाइए और जूनियर को कहानी सुनाइए, देख मैंने एक नया गेस्ट लाया, ये देख मैं नया गेस्ट लाया, ये देख नया एक मैंने गेस्ट लाया, आज भी एक नया गेस्ट लेके आया, ये देख आज भी नया एक मैं गेस्ट लेके आया। तो उससे क्या होगा, जूनियर लोगों को आप मैसेज ये देना चाह रहा है, देख नया लोगों को इस तरीके से लाना चाहिए, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तू शर्म कर, तुझे भी ऐसा लाना चाहिए। मैं सीनियर होके ला सकता हूँ, तू जूनियर होके नहीं ला सकता है? काम बोलेगा तो कोई करेगा नहीं,
आप खुद करोगे तो सब लोग करना शुरू कर देगा। इसका एक फायदा और है, जब आप किसी के नीचे एक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करते हैं, डायरेक्ट गेस्ट अगर डेली लाते हैं तो ज्वाइनिंग निकलना तो तय है। आप किसी के नीचे स्पॉन्सरिंग करते तो आप उसको समझा सकते हैं, देख मैं तेरे नीचे एक बंदा को दिया, अभी अगले हफ्ते में फिर उसी तरह एक नया बंदे को आप लाके किसी और के नीचे दिया, उसके अगले हफ्ते में सेम उसी तरह लाके दिया, और जितने लोगों को नीचे आपने दिया सबको फोन कर करके बताइए, देख तेरे नीचे एक दिया, तेरे नीचे एक दिया, तेरे नीचे एक दिया, तेरे नीचे एक दिया। उससे क्या होगा, ये जितना लोग आपके जूनियर लोग सो रहे थे ना, ये सोएगा नहीं, वो उठेगा और भागना शुरू कर देगा कि मेरे नीचे कुछ लोग आया है, मेरे नीचे कुछ लोगों का काम बन रहा है, ये भागना शुरू कर देगा, टीम में आग फायदा होगा, और वो लोग भी सेम आपकी तरह नकल करना शुरू कर देगा। तो ये आपको करना है ABCD। अब हम लोग बी का मतलब समझते हैं। बी का मतलब है बिल्ड योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, मतलब आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में डेली नए नए नाम आना चाहिए, 2-5-10 लोगों का नाम आना चाहिए। अब 2-5-10 कहां से आएगा, मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो, मैंने एक वीडियो ये डिस्क्रिप्शन के लिंक पर दे दूंगा, आई बटन दबाएंगे तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। डेली नए नए लोग, 2-5-10 लोगों को आप खुद नंबर एक लिस्ट बुक बनाइए और उस पर लिखना रहता है डेली, ये आपको करना है, डेली का ड्यूटी है आपका, ये आपको करना ही है। और जब तक ये आप नहीं करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग से आप अगर ये सोचते कि आप करोड़पति बनेंगे, भूल जाइए। मैं राजीव लोसन गाजी 13 साल का तजुर्बा देकर आपको बता रहा हूं। कौन काम करेगा नहीं करेगा आप करना शुरू कर दीजिए। सी का मतलब कॉल, किसको कॉल करना है, जितना सीनियर लोग आपका एक्टिव सीनियर लोग सबको फोन करिए और अपना कहानी बताइए, दिन भर में आपने क्या क्या किया है और क्या क्या अगला दिन आप करने वाले हो, सब बताइए। जूनियर को भी बताइए कि मैं दिन भर ये काम करने वाला हूँ, ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, बोलना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद जूनियर लोगों को आप पूछ भी सकते हैं कि आपका क्या क्या प्लानिंग है, मैंने ऐसा ऐसा किया है, आपका क्या क्या प्लानिंग है। इस तरीके से ये कॉल वाला काम जो है ना, ये राजीव लोसन गाजी बता रहा है, अगर आप खुद को सुरक्षा कवच के अंदर बंद नहीं करते और बाहर निकल के सचमुच मेहनत करना चाहते हैं तो मैं आपको कहता हूं ये करना शुरू कर दीजिए। और कॉल करने वाला काम घर बैठे करने की जरूरत नहीं है, आप फील्ड में उतार के करते हुए भी फोन कर सकते हैं कि मैं आज यहां पर यह काम कर रहा हूं, यहां पर यह काम कर रहा हूं, आपका क्या प्लानिंग है, आप कहां पर क्या कर रहे हैं। सीनियर को भी बोलिए, जूनियर को भी बोलिए, नया गेस्ट का भी तैयारी करिए। कॉल जितना ज्यादा ये काम आप करेंगे ना, टीम में पागलपन सी आ जाएगा काम करने की, सब दीवाने की तरफ काम करना शुरू कर देंगे। और डी का मतलब है ड्रीम बुक, आपका ड्रीम बुक तकिया के नीचे लेके सोना है। जी बिल्कुल, तकिया के नीचे ड्रीम बुक लेके सोना है, सुबह एक बार उठते ही तकिया के नीचे से निकल के जो ड्रीम बुक आपने गोल बुक बनाया ना, ये गोल बुक के एक बार पढ़ना है, और रात को भी सोने से पहले गोल बुक को एक बार पढ़ के सोना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आप खुद मोटिवेट होंगे। अगर आपको नहीं मालूम है सपनों को किस तरीके से गोल में कन्वर्ट करना है, इस वीडियो के आई बटन दबाइए, उस पे गोल सेटिंग के ऊपर 4 वीडियो दिया हुआ है, चारों वीडियो सुनिए, अच्छे तरीके से गोल बुक सेट कर लीजिए, 90% काम आपका गोल बुक में ही खत्म होगा। जी बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूं, 90% काम आपका गोल बुक में ही खत्म हो जाएगा, बाकी जो काम है ना 10% वो है ABCD जो मैंने आपको अभी बता रहा हूं। ज्यादा नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, और वैसे जिनको ज्यादा नॉलेज है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, आप उठा के देख लो सब के सब फेलियर है। ज्यादा नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है,
एक्शन करना पड़ेगा, और ये एक्शन प्लान जो है ना, ये ABCD, आप कितना ज्यादा ये ABCD में काम करते हैं, कितना ज्यादा आप ये चारों काम करते हैं, उसके आधार पर ही इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका फ्यूचर उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आप अगर ये ABCD समझ के, गोल सेटिंग मैंने जो समझाया, ये गोल सेटिंग इतना मायने रखता है, तकिया के नीचे लेके सोना क्यों है, इसके ऊपर मेरा बस चले ना तो 8 घंटे का ट्रेनिंग लूं मैं, इतना मायने रखता है ये। ये चारों पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, ये चारों पॉइंट इतना मायने रखता है, मेरा बस चले ना तो 2 दिन का पूरा वर्कशॉप ट्रेनिंग दो इसके ऊपर। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए ज्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूं, शॉर्ट में मैंने इतना समझाऊं कि ये चारों काम बहुत मायने रखता है, आपका टीम में भी ग्रोथ लाएगा, आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगा नेगेटिव सोचने का, आपको मौका नहीं मिलेगा कि किसी से किसी के बारे में फालतू चर्चा करो, आपको ये मौका ही नहीं मिलेगा कौन क्रॉस लाइन किधर क्या भटक रहा है, किसको इनकम बन रहा है किसको इनकम नहीं बन रहा है। ये चारों काम में फोकस लगा दीजिए, ये राजीव होसेन गाजी का गारंटी है। अगर आप सफल नहीं बनते हैं ना, तो अगर आप सफल नहीं बनते ना, इसमें नंबर है, आप मुझे फोन करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं, उसके जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, लेकिन काम करना पड़ेगा ABCD में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिंदगी भर मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक गेम समझाता हूं, या तो डायरेक्ट सेलिंग करिए तो ढंग से करिए, या तो छोड़ के दूसरा कोई काम धंधा ढूंढिए। जी बिल्कुल, बुरा लगा अच्छा लगे मैं सही बोल रहा हूं, अगर करना है तो ढंग से करिए, नहीं तो छोड़ छाड़ के दूसरा कोई काम देखिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं, जिंदगी भर मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, जम के कमर कस के ढंग से साल भर भी काम कर देना, साल भर 6 महीना साल भर जम के काम कर लीजिए। आप इतना मेहनत करें सबको पता चलना चाहिए, जितना सीनियर है सबको पता चलना चाहिए, जूनियर लोगों को दिखना चाहिए कि काम कर रहा है, कंपनी लेवल तक पता चलना चाहिए कि कोई मेहनत कर रहा है, सब लोग जब देखेंगे ये काम कर रहा है तो सपोर्ट देखना कहां से आपको अपने आप ही सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सबको दिखा दीजिए कि मेहनत ऐसा करना चाहिए, सीनियर को भी शर्म आना चाहिए, जूनियर को भी शर्म आएगी, कंपनी लेवल को भी पता चलेगा कि एक बंदा है मेहनत कर रहा है, और आपका मेहनत ही रंग लेके आएगा। काम करना है तो ढंग से करें, नहीं तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं, मेरा 13 साल का तजुर्बा से मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के जरिए मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने वाला है।